ओके जी, क्लास फर्स्ट ईयर आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक है वेक्टर एडिशन का, कि हम दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इससे पहले हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया था। कीप इट इन माइंड कि उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं या जितने भी न्यूमेरिकल्स में, यू हैव टू अटैम्प्ट ऑल ऑफ देम। सब डायमेंशनल एनालिसिस से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं आपने वो करने हैं, उसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। आज हम वेक्टर एडिशन करने जा रहे हैं। फॉर दैट वी हैव कंसीडर टू वेक्टर्स। फर्स्ट इज़ वेक्टर ए, सेकंड इज़ वेक्टर बी। इसको हमने हेड टू टेल रूल के साथ क्या किया है, ऐड किया है। ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, ड्रॉ द सेकंड वेक्टर सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड देन ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर सच दैट इट टेल्स कोइंसाइड विद द फर्स्ट वेक्टर एंड हेड कोइंसाइड विद द लास्ट वेक्टर। वी हैव ऐड दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी यूजिंग हेड टू टेल रूल। लेकिन हमने इसको ऐड करना है वेक्टर एडिशन थ्रू इट्स कंपोनेंट्स। ये वेक्टर ए है, ये दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रहा है, एक ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक ए वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक्स को ओ क्यू का नाम दिया, वाई को क्यू एम का नाम दिया। सिमिलरली जो वेक्टर बी है एम पी, दैट इज़ रिजॉल्व इन टू टू कंपोनेंट्स एम एस, विच वन इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो एक्स कंपोनेंट है, एंड एस पी विच इज़ बी वाई वाई कंपोनेंट है। रिजल्टेंट का अगर हम ड्रॉ करें तो रिजल्टेंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और यहाँ से लेकर यहाँ तक रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। हमने इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द फिगर, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ आर इसमें आर एक्स के इक्वल है, ओ क्यू इसमें ए एक्स के इक्वल है, क्यू आर इसमें बी एक्स के इक्वल है। विच मीन्स दैट कि जो एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट है दैट इज़ इक्वल टू द एडिशन ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, और इन दिस स्पेसिफिक केस वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो एक्स कंपोनेंट है उनका एडिशन। अच्छा, फॉर सिमिलरली फॉर वाई कंपोनेंट, जो वाई कंपोनेंट बनेगा अकॉर्डिंग टू द फिगर आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी, आर एस क्यू एम के इक्वल है। कैसे, इस फिगर में देखें, इन दिस फिगर दिस वन इज आर एस एंड दिस वन इज क्यू एम, बोथ आर पैरेलल। तो अगर ये आर एस ए वाई है तो क्यू एम ए वाई है, तो आर एस भी क्या होगा, ए वाई होगा। सो इन दिस केस वी कैन राइट दैट द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉरी वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द वाई कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आर एक्स प्लस आर वाई। आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर है, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस ये भी यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे हम आर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम आर वाई की वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज़ वेक्टर फॉर्म। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड में हम दोनों के कंपोनेंट्स का स्केयर लेंगे, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स है जितने भी कंपोनेंट उन सब का स्केयर, फिर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर, और फिर उसका क्या ले लेंगे, स्केयर रूट। थर्ड चीज़ है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर के, अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। आर वाई की क्या वैल्यू है, ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स की क्या वैल्यू है, ए एक्स प्लस बी एक्स। टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। अच्छा, दिस वाज ओनली फॉर द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के लिए सिर्फ। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, मल्टीपल नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, उसमें जितने भी वेक्टर्स हैं सब के एक्स कंपोनेंट को ऐड करके उसका स्केयर, प्लस जिनके वाई कंपोनेंट हैं उन सबको ऐड करके उसका स्केयर, फिर स्केयर रूट, जस्ट लाइक वी हैव डन इन द प्रीवियस केस। इसमें सिर्फ दो वेक्टर्स हैं, इसमें मल्टीपल वेक्टर्स हैं। इसी तरह एंगल में भी, यहाँ पे ए वाई बी वाई प्लस सी वाई एंड अप टू सो ऑन, एंड ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड अप टू सो ऑन, इस तरह चलेगा। सो
नेक्स्ट क्वाड्रेंट के वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, उसके लिए सिंपल से रूल्स हैं। अब इसमें देखें कि अगर दोनों रिजल्टेंट एक रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, क्योंकि इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। और अगर रिजल्टेंट में आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, दैट विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो इट्स फॉर श्योर के वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव है तो इसका मतलब है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में वाई पॉजिटिव, सेकेंड में वाई पॉजिटिव, थर्ड में ऑल नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव। इसमें अल्टरनेटिव पॉजिटिव होंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल नेगेटिव। गॉट दैट? तो इस तरह हम क्वाड्रेंट से हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो पांच पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स क्या हैं कि जो आपने ये स्टेप्स किए हैं कि हम किस तरह ऐड करेंगे, फर्स्ट ड्रॉ द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल, देन वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल, देन ऐड देम, आर एक्स निकालें, आर वाई निकालें, तो इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में अब लास्ट में उनको डिस्क्राइब कर देंगे अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो। अच्छा जी, ये था वेक्टर एडिशन के हम वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। दो मेथड हैं इसी में यूज़ हुआ है, वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल भी यूज़ हुआ है और दूसरा कंपोनेंट्स के थ्रू भी हमने इनको क्या किया है, ऐड किया। कल हम स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स की रिवीजन करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछिएगा व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।